हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारतीय खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले अनेकों औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। संतुलित मात्रा में मसालों का सेवन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। लहसुन का भी इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में किया जाता है। मसाले के रूप में लहसुन का इस्तेमाल खाने का स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। लहसुन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मसालों के रूप में लहसुन का सेवन करने के अलावा आप इसे कई दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बीमारियों और समस्याओं में कच्चे लहसुन का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इससे मौजूद गुण कैंसर जैसी घातक बीमारी के खतरे को भी कम करने का काम करते हैं। लेकिन किसी भी खाद्य पदार्थ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक माना जाता है। लहसुन का सेवन कुछ लोगों के लिए फ़ायदे की जगह नुकसान का कारण बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लहसुन खाने के क्या क्या नुकसान है और किन लोगों को लहसुन खाने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लहसुन कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इसके अलावा लहसुन में मौजूद विटामिन, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लहसुन का सेवन पाचन तंत्र से लेकर हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लहसुन खाने से आपको कई समस्याएँ भी हो सकती हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए तो लहसुन खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। लहसुन का सेवन संतुलित मात्रा में ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो लोग कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं उन्हें इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। निर्धारित मात्रा से ज़्यादा लहसुन खाने से आपको कई समस्याएँ हो सकती हैं। लहसुन खाने से जो हमारा सबसे पहला नुकसान है वो है उल्टी और दस्त की समस्या। बहुत ज़्यादा लहसुन खाने से आपको उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है। खाली पेट लहसुन खाने से आपके पेट में जलन की समस्या हो सकती है और उल्टी या दस्त का कारण भी बन सकता है। लहसुन में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से आपको गंभीर रोग हो सकता है। इसलिए आपको भी लहसुन खाते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है लीवर के लिए नुकसानदायक। बहुत ज़्यादा लहसुन खाने से लीवर को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। कच्चे लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण लीवर में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं। इसकी वजह से लीवर टॉक्सिसिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको बहुत अधिक मात्रा में लहसुन खाने से बचना चाहिए। जो तीसरा नुकसान है वो है हमारा हार्ट बर्न का कारण। बहुत ज़्यादा लहसुन खाने से आपको हार्ट बर्न की समस्या भी हो सकती है। खाली पेट बहुत ज़्यादा लहसुन खाने की वजह से एसिडिटी हो सकती है और इसकी वजह से आपको सीने में जलन या हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है। ऐसे लोग जो एसिडिटी या पेट में खराबी से पीड़ित हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लहसुन खाने से बचना चाहिए। जो चौथा नुकसान है वो है ब्लीडिंग की समस्या। बहुत ज़्यादा लहसुन खाने से आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। लहसुन में कुछ ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो कि खून को पतला करने का काम करते हैं। इसलिए अगर आप खून को पतला करने वाली दवाओं का सेवन करते हैं तो इसके साथ लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारा पांचवा नुकसान है वो है चक्कर आने की समस्या। बहुत अधिक मात्रा में कच्चे लहसुन खाने से चक्कर आने की समस्या हो सकती है। कच्चा लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन का बहुत ज़्यादा सेवन कुछ लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। कुछ समस्याओं और स्थितियों में लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए। जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लहसुन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों को भी लहसुन खिलाने से बचना चाहिए। लीवर से जुड़ी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को भी लहसुन का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। शरीर में खून की कमी, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या में भी लहसुन न खाने की सलाह दी जाती है। तो ये थे लहसुन खाने से हमारे शरीर को होने वाले नुकसान, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया है। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये जानकारी पहुँच पाए।
तो मिलते हैं ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।